हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे टाइम की वर्कशीट, क्लास सेकंड से है। इसके अलावा मैं टाइम का जो टॉपिक है वो अपलोड कर चुकी हूं, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम होती है ना, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, मैंने बहुत बेसिक से समझाया, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट में करना है राइट द टाइम। यहां पर हमें टाइम लिखना है, तो देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है, ठीक है, दिख रहा है, छोटी बड़ी सुई है। तो ये 12 पे है हमारा आर हैंड, घंटे वाली सुई जो है हमारी, और ये है यहां पर। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि यहां जो मिनट हैंड है 3 पर है और कितने मिनट हुए हैं, तो आप इसको बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस पर भी आपका मिनट हैंड है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15। तो अब जो हमारा टाइम है वो है 12:15, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 4 है, मैंने लिखा नहीं है बेसिकली, लेकिन देखो 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो 4 है, लेकिन ध्यान से देखिए क्या हमारा जो आर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो 4 पे बिल्कुल आ गई है, नहीं आई है। इसका मतलब 4 अभी बजे नहीं है, अभी 3 ही बजे हैं, और 3 बजकर हो गए हमारे 45 मिनट्स, कितने हो गए 45 मिनट्स, ठीक है। सो बाकी क्लॉक का टाइम भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो कि मैम हमें ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज बता दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज आप जरूर पूछिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड, राइट द टाइम। देखिए यहां पर आपको कैसे टाइम राइट करना है, यहां मैंने लिखा है 7:45, तो आपको ये नहीं लिखना है कि 7:45, आपको यहां पर यूज करना है हाफ पास्ट या हाफ टू या क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर टू, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7:45 है, यानी कि अभी 8 नहीं बजे हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 45 मिनट्स है, तो क्वार्टर लिखना है आपको, ठीक है। क्वार्टर हम कहां पर लिखते हैं ये भी ध्यान रखिए, जहां पे 45 होता है या 15 होता है वहीं हम क्वार्टर लिखते हैं, 45 या 15। लेकिन अगर 45 है तो जाहिर सी बात है अभी बजा नहीं है, कंप्लीट बजे नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पर क्वार्टर टू 8, यानी कि 8 बजने वाले हैं, बजे नहीं है। 2 का मतलब होता है बजने वाले हैं और पास्ट का मतलब होता है बज चुके हैं, ठीक है। 2 का मतलब होता है बजने वाले हैं और पास्ट का मतलब है बज चुके हैं। यहां पर कितना आएगा, 30 का मिनट मीनिंग होता है हाफ, हाफ पास्ट 6। अब पास्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, बज चुके, यानी कि 6:30 हो चुके हैं। यहां पर आप क्या करोगे, 45 है, क्वार्टर लिखोगे क्वार्टर टू 12, ठीक है, क्वार्टर टू 12, आया समझ में। 15 है, क्वार्टर लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे, पास्ट लिखोगे, पास्ट 5, यानी कि 5:15 हो चुके हैं। जहां पर भी आपको क्वार्टर दिखे समझ लेना या तो 45 मिनट्स है या 15 मिनट्स है, ठीक है। अब 45 है तो क्वार्टर है, लेकिन 2 आएगा क्योंकि बजने वाले हैं, और यहां आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक मिनट्स मेक एन आवर, कितने मिनट्स एक घंटा बना देती है, 60 मिनट। ब्लैंक मंथ्स मेक अ ईयर, 12 मंथ्स मेक अ ईयर, अ कॉमन ईयर हैज 365 डेज, मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुअरी, मे हैज, मई में कितने दिन होते हैं, 31 डेज, एंड नवंबर हैज 30 डेज। ब्लैंक डेज मेक अ वीक, 7 डेज मेक अ वीक, फरवरी हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, जब भी हमारा लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। उसके बाद है ड्रा द हैंड्स टू शो द टाइम, आपको टाइम दिखाने के लिए हैंड्स ड्रॉ करना है, यहां पे मैंने टाइम नहीं लिखा है, अभी लिखती हूं मैं, ये हो गया हमारा 12:06:39, ठीक है। तो हमें यहां क्या दिखाना है, हाफ
पास्ट सेवन दिखाना है। पास्ट का मतलब बच चुका है यानी कि 7 बजकर, और हाफ का मतलब है 30 यानी कि 7 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए मिनट हैंड तो हमारी 6 पर आ जाएगी, लेकिन 7 क्या आप जो घंटे वाली सुई होती है उसको 7 पर दिखाओगे? नहीं, क्योंकि देखिए ये बीच में आएगी। मैं आपको बताती हूं, जब हमारे 7 बजे होंगे तो ये सुई जो है घंटे वाली 7 पर होगी और ये 12 पर होगी। अगर हमारा मिनट हैंड यहां से यहां तक आ गया है तो हमारी घंटे वाली सुई भी इन दोनों के बीच में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 3, अब देखिए मैं आपको बताती हूं, अगर सोचिए 3 बजे हैं तो हम ऐसे टाइम लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब आप सोचो कि 30 मिनट हो गए हैं तो मिनट हैंड अगर यहां से हाफ घूमकर आ गई है, ठीक है, तो ये भी तो सुई अपनी जगह से मूव करेगी ना, तो ये कहां पर आ जाएगी? इन दोनों के बीच में, ठीक है। हाफ मतलब बीच में, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो यहां पर मैं आपको सारे नहीं करा रही हूं, कुछ जो मेन है वो करा रही हूं, जैसे क्वार्टर टू 7। अब क्वार्टर टू का मतलब मैंने बोला था 45 मिनट्स होते हैं, तो मिनट सुई जो हो जाएगी वो 45 की तरफ हो जाएगी। अब उसने कहा 7 यानी कि 7 बजने वाले हैं तो हमारी जो सुई है वो किस पर होगी? वो बिल्कुल 7 के पास में होगी, 7 पर नहीं होगी, ठीक है, 7 से बिल्कुल पास में होगी, क्योंकि अब देखो हमारा जो मिनट हैंड है वो मूव करते 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 12 पे आ जाएगा, और जो ये वाली है वो बिल्कुल 7 के पास होगी, तभी तो 7 पर आएगी, ठीक है, तभी तो 7 बजेंगे। क्वार्टर टू 7 का मतलब 7 बजने वाले हैं। अभी एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है हमारा? 6:45 हुए हैं, तो ठीक है, यहां 7 है तो अभी ये 7 पे बिल्कुल नहीं आई है, थोड़ा सा हम इसको इधर रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसे इधर रखेंगे, बिल्कुल 7 के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। क्वार्टर पास्ट का मतलब है बज चुके हैं, और इसका मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है, और 4 बजकर, तो 4 हमारा यहां पे है तो ये सुई आ जाएगी 4 पे, ठीक है। 4 से थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा आप मूव कराओगे, ठीक है, और 3 o'clock तो बहुत ही इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइम। क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 7 कितना टाइम होगा? 6:45, ठीक है। जब भी क्वार्टर टू होता है तो मतलब समझ लीजिए 45 ही है, लेकिन अगर 7 है तो उसका एक कम लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। क्वार्टर पास्ट 7 मतलब, क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट और 7:15, तब 7:07 ही रहेगा। हाफ पास्ट 3 यानी कि 3:30, 3 o'clock। अब है क्वार्टर टू 9, ठीक है, क्वार्टर टू 9 यानी कि 8:45 हुए, 9 बजने वाले हैं, या ये कह सकते हैं 9 बजने में 15 मिनट सभी हैं। क्वार्टर टू 6 यानी कि 5:45, क्वार्टर पास्ट 2 यानी कि 2:15, ठीक है, हाफ पास्ट 6 यानी कि 6:30, ठीक है। तो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।